हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। जो लोग नए व्यूअर है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, मैंने ये फ्रॉक 10 इयर्स ओल्ड गर्ल के लिए स्टिच किया है। मैंने ये फ्रॉक बनाने के लिए दुपट्टे का यूज किया है। ये मैंने 2.5 मीटर का दुपट्टा ले लिया है। मैंने इसकी सारी लेस निकाल ली है और इसको मैं आगे फ्लेयर में यूज़ करूँगी। ये दुपट्टे को मैंने हाफ फोल्ड कर लिया है और ये बीच का मिडल का पार्ट लेके मैं नेक मार्क कर लूँगी 3 इंच का, और साइड से 2.5 इंच का नेक मार्क कर लूँगी और मैं इसको राउंड शेप कर लूँगी। 3 इंच का मैं शोल्डर मार्क करूँगी यहाँ पे और 3 इंच का डेप्थ दूँगी और इसको मैं राउंड शेप में मार्क कर लूँगी। ये मैंने आर्म होल मार्क किया है। यहाँ पे मैं नेक एरिया से 32 इंच का लेंथ मार्क कर रही हूँ और सेम 32 इंच रख के मैं सर्कल में मार्क कर लूँगी। मैं यहाँ पे नेक कट कर रही हूँ और ये मैं आर्म होल कट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्लेयर कट कर रही हूँ। ये कट हो गया है और ये ओपन करने के बाद इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे मैं आर्म होल स्टिच कर लूँगी और साइड में लेस लगा लूँगी। मैं यहाँ पे ब्लैक पट्टी का यूज़ कर रही हूँ आर्म होल में लगाने के लिए, ताकि इसमें अच्छी लुक दिखे। दोनों तरफ से मैं इसी तरह से आर्म होल में पट्टी लगा लूंगी। यहाँ पे मैं नेक स्टिच कर रही हूँ और दुपट्टे की बेल में इसके चारों तरफ से लगा लूंगी और इसी तरह से मैं पूरे नेक में लेस स्टिच कर लूंगी। और ये बची हुई लेस मैं फ्लेयर में लगा रही हूँ और ये पूरा मैं राउंड सर्कल में इसको लगा लूंगी। और यहाँ पे मैंने पूरे नेक में लेस लगा ली है और ये साइड में फ्लेयर में भी मैंने लेस लगा ली। यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी और शोल्डर से मार्क करके लगाऊंगी। अगर लग रहा है आर्म होल थोड़ा बड़ा है तो हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इलास्टिक अटैच करूँगी। मैंने 10 इंच का यहाँ पे मार्क कर लिया है शोल्डर से और मैं यहाँ पे इलास्टिक अटैच करूँगी। ये हमारा फ्रॉक रेडी टू वेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन यूज योर ओल्ड मैन शर्ट इनटू क्यूट गर्ल फ्रॉक। आई हैव स्टिच दिस फ्रॉक फॉर 10 इयर्स ओल्ड गर्ल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे शर्ट ले लिया है और मैं 5 इंच का आर्म होल मार्क करूंगी। बोथ साइड से मैं 5 इंच का ही आर्म होल मार्क करूंगी। और अब मैं इसे कट कर लूंगी। यहाँ पे मैं ये स्टिच कर लूंगी और मैं यहाँ पे ये मैं क्लियर के लिए काट रही हूँ और मैं 5 इंच की डिस्टेंस लेके इसको काट रही हूँ और मैं इसको सीधा मार्क कर लूंगी और मैं इसकी सीधी पट्टी कट कर लूंगी।
जो मैंने फ्लेयर के लिए पट्टी कट करी थी वो मैं नीचे की साइड से पूरा सिल लूँगी और मैं इस तरह से प्लेट्स डाल के उसको स्टिच कर लूँगी पूरी पट्टी को। ये शर्ट के नेक पार्ट को पहले मैं अटैच कर लूँगी अच्छी तरीके से और फिर मैं इसको फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लूँगी। यह आर्म होल है, मैं यहाँ पे कोई भी पट्टी नहीं लगा रही, वही आर्म होल के कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। ये मैं नेक का स्टिच कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इलास्टिक डाल सकती हूँ या फिर आप रिबन भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे रिबन डालूँगी इसलिए मैं इतनी डिस्टेंस पे इसको सिल रही हूँ फोल्ड करके। ये फ्रिल मैंने स्टिच कर ली थी, मैं ये शर्ट के अपर साइड से रख के स्टिच करूँगी। ये रिबन मैंने स्टिच कर लिया था और मैं इसमें इंसर्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन। और ये हमारी शोल्डर स्ट्रिप्स रेडी है। यहाँ पे मैं 10 इंच का मार्किंग लेके सीधी लाइन ड्रॉ कर लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे इलास्टिक अटैच करनी है। इलास्टिक मैं स्ट्रेच करके सिलूंगी। मैं ये इलास्टिक बोथ साइड से स्टिच करूंगी, फ्रंट और बैक साइड से। और ये हमारा फ्रॉक रेडी टू वेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। एंड न्यू पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 2 मीटर कपड़े से फ्रॉक बनाना, वो भी बहुत ही इजी वे में। मैंने ये फ्रॉक 10 ईयर गर्ल के लिए स्टिच किया है। ये मेरा 2 मीटर का कपड़ा है और मैं ये कपड़े को हाफ में फोल्ड कर लूंगी इस तरह से। मैंने यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर लिया है। मैं यहाँ पर नेक की मार्किंग करूँगी। मैं यहाँ पर 2 इंच नेक मार्क करूँगी, 3 इंच शोल्डर मार्क करूँगी और 7 इंच आर्म होल मार्क करूँगी और उसको राउंड शेप दे दूँगी। आर्म होल से स्ट्रेट लाइन मार्क कर लूँगी स्लीव्स के लिए। अब आर्म होल से स्लाइड स्लैंट करके फ्लेयर की मार्किंग कर लूंगी। नेक एरिया से फ्लेयर मार्क तक मेजरमेंट लेना है। मैंने 23 इंच लिया है और सेम मेजरमेंट सेमी हाफ मार्क कर लेना है। नेक मार्क करूंगी, 4 इंच मार्क करके राउंड कर लूंगी और इसको कट कर लूंगी। अब मैं स्लीव्स और फ्लेयर कट कर लूंगी। ये हमारी फ्रॉक है, दोनों साइड से स्लीव्स और फ्लेयर स्टिच कर लूंगी। 1.5 इंच की कपड़े की पट्टी को अपर साइड से रख करके मैं अंदर के साइड फोल्ड कर लूँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। ये फ्रिल मैंने पहले बना ली थी, इसको मैं फ्लेयर के अपर साइड से रख करके स्टिच कर लूँगी। और ये गला रेडी है। अब मैं फ्रिल को स्टिच कर लूंगी। और ये स्लीव्स मैं बोथ साइड से स्टिच कर लूंगी। और मैंने साइड्स को भी फिटिंग के हिसाब से स्टिच कर लिया है। एंड द फ्रॉक इज रेडी टू वियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।
I have stitched this frock for 6 years old girl. ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने दुपट्टे का यूज़ किया है। ये दुपट्टे को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और मैं यहाँ पे नीचे का पार्ट यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं फ्लेयर बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 15 इंच का लेंथ लिया है नीचे के घेर के लिए। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसको कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं अस्तर लगाने के लिए वाइट कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। 14 इंच का लेंथ लेके मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं फ्रॉक के पेटी के लिए मार्किंग कर रही हूँ। 3 इंच का मैं यहाँ पे नेक ले रही हूँ और 3 इंच का शोल्डर मार्क कर रही हूँ। 6 इंच का मैंने यहाँ पे आर्म होल मार्क कर लिया है और इसको राउंड कर लूँगी मैं। यहाँ पे मैं साइड की फिटिंग के लिए कट लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने अस्तर की पेटी कट कर ली थी और मैं उसको फ्रंट वाले कपड़े पे रख के कट कर लूँगी। ये जो मैंने फ्रॉक के लिए फ्लेयर कट कर लिया था उसे मैं हैंड स्टिच कर लूँगी और इसकी प्लेट्स बना लूँगी। और इसी तरह से मैं बैक साइड पे भी प्लेट्स डाल लूँगी। और ये फ्लेयर रेडी है। यहाँ पे फ्रंट साइड का जो कपड़ा है उस पर मैं अस्तर रख के नेक्स्ट स्टिच कर लूँगी और इसी तरह से मैं बैक का भी स्टिच कर लूँगी। और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट करूँगी। इस तरह से नेक बनाना बहुत ही इजी होता है और ये बड़ी ही आसानी से बन भी जाता है। ये मेरा फ्रंट नेक रेडी है। मैं यहाँ पे ऊपर से स्टिचिंग करूँगी। ये बैक साइड का नेक है, मैं इसमें कट लगा लूँगी ताकि फोल्ड करने में आसानी हो। मैं यहाँ पे ऊपर से नेक पे स्टिचिंग कर लूँगी ताकि अच्छी फिनिशिंग दिखे। यहाँ पे मैं फ्रंट और बैक शोल्डर्स अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मैं पेटी से फ्लेयर को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मैं आर्म होल स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कोई पट्टी यूज नहीं की, मैं उसी कपड़े को फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे मैं फ्लेयर अटैच कर लूँगी दोनों साइड के। अब मैं यहाँ पे फ्रॉक की साइड फिटिंग कर लूँगी। मैंने ये फ्रॉक बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इजी वे में स्टिच किया है। इसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मेंस शर्ट से फ्रॉक बनाना। मैंने ये फ्रॉक 10 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए स्टिच किया है। ऐसी शर्ट से इतना स्टाइलिश और फैंसी ड्रेस आप भी सी सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ये मैंने शर्ट ले लिया है, मैं इसके कॉलर्स कट कर लूँगी। मैंने कॉलर कट कर लिया है और अब मैं इसके स्लीव्स भी कट कर लूँगी दोनों साइड से। मैंने स्लीव्स कट कर लिए हैं दोनों तरफ से। अब मैं शोल्डर की तरफ से 3 प्लेट्स डालूँगी दोनों साइड से। और मैं पॉकेट भी निकाल लूँगी। ये मैंने प्लेट्स डाल ली है और पिनअप कर लिया है। मैं ये वाइट कपड़ा लूँगी नेक के लिए और मैं इसको राउंड कट कर लिया है। नेक की चारों तरफ से मैं इसको स्टिच कर लूँगी और अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। मैंने ये पिनअप करके ले लिया है और मैं इसको स्टिच करूँगी। ये मैं आर्म स्टिच कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पट्टी नहीं ली है, मैं वही कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ। ये फ्रिल है जो मैंने पहले ही बना ली थी और मैं इसको शर्ट के नीचे की साइड में रख के स्टिच कर रही हूँ और इसको मैं चारों तरफ से स्टिच कर लूँगी। मैंने ये फ्रिल दोनों साइड से लगा ली है। फ्रॉक को अच्छा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट और बटरफ्लाई यूज़ किया है। आप चाहो तो अंदर से इलास्टिक भी लगा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। द न्यू व्यूअर हु आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, टूडे आई हैव स्टिच दिस जंपसूट फॉर 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल। I have converted men's shirt into a baby's jumpsuit. So let's get started. ये मैंने men's shirt ले ली है। सबसे पहले मैं इसका pocket remove कर लूँगी। अब मैं collar के नीचे से straight line draw करके arm hole भी mark कर लूँगी और उसे cut कर लूँगी। ये मैंने straight cut कर लिया और arm hole भी cut कर लिया। यहाँ पे sleeve से मैं पट्टियाँ निकाल लूँगी क्योंकि frill बनाने के लिए। यहाँ पे मैं नेक के लिए फोल्ड कर रही हूँ, इतने डिस्टेंस में इसको फोल्ड कर लूँगी और आर्म होल के लिए भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी दोनों तरफ से। चेस्ट साइज में यहाँ पे 9 ले रही हूँ। यहाँ पे मैं इलास्टिक डालूँगी, इस तरह से स्ट्रेच करके मैं इलास्टिक इसमें स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे मैं जंप सूट के पैंट के लिए मार्किंग कर रही हूँ। 2 इंच के डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे मार्क करके वी शेप में मार्किंग कर लूँगी और कट कर लूँगी। यहाँ पे मैं नेक का पहले अटैच कर लूँगी अच्छी तरह से। मैं इतने डिस्टेंस पे इसको फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। इसमें इलास्टिक या फिर हम लोग रिबन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आर्म होल स्टिच कर रही हूँ। मैं उसी कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से स्टिच कर लूँगी फ्रॉम बोथ द साइड्स। और बैक साइड से भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक लगा रही हूँ। मैंने बटन एरिया को छोड़ दिया है और मैं यहाँ से इलास्टिक लगाऊंगी। इस तरह से खींच के यहाँ पे इलास्टिक लगाना है हमें। यहाँ पे नेक पे मैं फ्रिल लगा लूंगी इस तरह से प्लेट डाल के फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पे मैंने फ्रिल लगा लिए फ्रॉम बोथ द साइड्स। आर्म होल भी मैंने इस तरह से स्टिच कर लिए हैं और मैंने अंदर से ऐसे इलास्टिक लगा ली है। यहाँ पे मैंने रिबन बना लिया था, मैं यहाँ से इंसर्ट करके उसको नेक साइड से ओपन करूँगी और इस तरह से मेरे शोल्डर्स रेडी है। ये मेरा जंप सूट रेडी टू वेयर है। इस तरह की सिंपल और ईजी स्टिचिंग एंड कटिंग वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। द न्यू व्यूअर हु आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे शर्ट ड्रेस बनाना। मैंने ये ड्रेस बनाने के लिए इस शर्ट का यूज किया है। सबसे पहले मैं इसका पॉकेट रिमूव कर लूँगी और कॉलर के नीचे से मैं 10 इंच का मार्किंग कर लूँगी। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे 6 इंच का मार्किंग करूँगी दोनों ही साइड से। चेस्ट साइज में यहाँ पे 32 ले रही हूँ
और ये बेस्ट साइज में यहाँ पे 28 की ले रही हूँ और मैं इसे कर्व में मार्क कर लूँगी फ्रॉम बोथ द साइड्स और अब मैं इसे कट कर लूँगी। और मैंने इसे कट कर लिया है, मैं यहाँ पे स्लीव्स कट कर लूँगी और इस तरह से प्लेट्स डाल के मैं स्टिचिंग करूँगी। यहाँ पे मैं पफी स्लीव्स बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से प्लेट्स डाल के उसको स्टिच कर लूँगी, इससे अच्छा लुक दिखेगा। और ये मेरे स्लीव्स का बॉटम है जो इस तरह से फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूंगी। अब मैं साइड से इसको 1-1 इंच की डिस्टेंस पे फिटिंग दे दूंगी। और ये हमारा ड्रेस रेडी टू वेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। न्यू व्यूअर हु आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पोचो टॉप कैसे बनाते हैं। ये टॉप मैंने 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए स्टिच किया है। इस टाइप के टॉप्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और ये स्टाइलिश भी रहते हैं। ये टॉप स्टिच करना बहुत ही इजी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कपड़े का बॉर्डर मैं कट कर लूंगी क्योंकि मुझे आगे इसमें फ्रिल लगाने में काम आएगा। ये मैंने 1 मीटर का कपड़ा ले लिया है और इसको मैं हाफ में फोल्ड कर लूंगी। कपड़े को मैंने 4 में फोल्ड कर लिया और मैं यहाँ पे नेक मार्क कर रही हूँ 3 इंच का और मैं इसको कर्व शेप दे दूंगी। यहाँ पे मैं आर्म होल मार्क कर रही हूँ 2 इंच की, यहाँ से डिस्टेंस पे दूंगी। यहाँ पे मैं 3 इंच का शोल्डर लिया है और यहाँ से मीडियम में रख के मैं 2 इंच का फिर से मार्किंग कर लूँगी और इसको कर्व शेप दे दूँगी। नेक एरिया से मैं 14 इंच की डिस्टेंस पे इस तरह से रख के कर्व शेप में मार्किंग कर लूँगी। ये मैंने फ्लेयर की मार्किंग कर ली है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। और कट होके हमारा टॉप इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे नेक पे मैं इस तरह की पट्टी रख के अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी और सेम मैं आर्म होल्स पे भी स्टिच कर लूंगी। ये जो मैंने फ्रिल के लिए कपड़ा कट किया था मैं उसे यहाँ पे अटैच कर लूंगी इस तरह से प्लेट्स बना के। इस तरह से पट्टी रख के मैं यहाँ पे नेक की स्टिचिंग कर लूंगी। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी फ्रॉम ऑल द साइड्स। अब मैं यहाँ पे आर्म होल की स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरह से पट्टी रख के मैं इसके भी स्टिच कर लूंगी और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लूंगी। और इस तरह से मैं फ्लेयर का भी कपड़ा फोल्ड करके स्टिचिंग कर लूंगी फ्रॉम ऑल द साइड्स। यहाँ पे मैंने नेक स्टिच कर लिया और आर्म होल्स भी स्टिच कर लिए हैं। अब मैं इस तरह से फ्रिल लगाऊंगी यहाँ पे प्लेट्स डाल के। इस तरह से मैं हैंड स्टिच कर लूंगी छोटी छोटी प्लेट्स के लिए। और अब मैं इसे अटैच कर लूंगी।
ये मैंने फ्रिल टॉप पे अटैच कर ली है इस तरह से। और ये हमारा टॉप रेडी टू वेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अम्ब्रेला फ्रॉक बहुत ही इजी और सिंपल वे में। सो इसकी कटिंग भी बहुत ही इजी होती है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही जल्दी से हो जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने 1 मीटर का कपड़ा ले लिया है और उसे मैं इसको 4 में फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे मैं नेक मार्क कर रही हूँ, 4 इंच की डिस्टेंस पे मैं मार्क कर लूँगी और इसे राउंड शेप दे दूँगी। यहाँ पे मैं शोल्डर 4 इंच का ले रही हूँ और शोल्डर से स्लीव्स 10 इंच का मार्क कर लूँगी। यहाँ से शोल्डर से मैं चेस्ट एरिया तक 9 इंच का मार्किंग ले रही हूँ और यहाँ से चेस्ट साइज में 10 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। और इसको मैं स्लीव्स के लिए राउंड शेप दे दूँगी और यहाँ से पैर के लिए स्ट्रेट कर लूँगी। अब मैं नेक एरिया से फ्लेयर के लिए मार्किंग करूंगी इस तरह से और उसे एक कर्व शेप में मार्क कर लूंगी और अब मैं इसे कट कर लूंगी। ये मैंने फ्रॉक कट कर ली और ये कट करके ऐसे दिखेगी। यहाँ पे मैं नेक के लिए स्टिचिंग कर दूंगी और स्लीव्स के लिए मैं यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी और साइड्स में यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। दोनों ही स्लीव्स को मैं इस तरह से ही फोल्ड करके स्टिच करूँगी। शोल्डर से मैं 9 इंच का मार्क करूँगी और इसमें इलास्टिक लगा लूँगी। ये फ्रिल मैंने पहले ही रेडी कर ली थी और मैं इसे फ्लेयर में लगा लूँगी। नेक पे इस तरह की पट्टी लगा के मैं अंदर की तरफ स्टिच कर लूँगी। ये मैंने पट्टी लगा ली है, अब मैं इसे अंदर की तरफ करके स्टिच कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं फ्लेयर में फ्रिल भी अटैच कर लूँगी फ्रॉम ऑल द साइड्स। मैं यहाँ पे स्लीव स्टिच कर रही हूँ, मैं इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर लूँगी। अब मैं फ्रॉक की साइड्स भी स्टिच कर लूँगी। मैं इस तरह से इलास्टिक स्ट्रेच करके दोनों ही साइड से लगा लूंगी। ये मेरा फ्रॉक स्टिच हो गया है। मैंने स्लीव्स भी स्टिच कर लिए, इलास्टिक भी लगा ली फ्रॉम बोथ द साइड्स और फ्रिल भी लगा ली है। ये हमारा फ्रॉक का लुक ऐसा दिखेगा फ्रेंड्स से। और ये हमारा फ्रॉक रेडी टू वेयर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।